टाइप की शर्ट्स अगर आप बनाना चाहते हैं, यू नो विमेंस वेयर के अंदर काम करना चाहते हैं, तो ये देखिए सारे ये सेम पैटर्न के अंदर है, ब्रांडेड आर्टिकल रहेंगे आपको, हम काफी मल्टी कलर प्रिंट्स हैं, ये इस टाइम पे काफी ज्यादा इन चल रहे हैं, बीच वेयर के हिसाब से हो गया, यू नो, या कॉर्डसेट उस टाइप के आइटम आप बनाना चाहें तो उसके अंदर आप इनको यूज में ले सकते हैं, बिल्कुल इसके अंदर वैरायटी है। ओके जी, ये देख सकते हैं, तो ये आपने बड़े बड़े ब्रांड्स पे देखी होगी ये क्वालिटी जी। सर ये भी स्मार्ट बिट्स आप देख रहे हैं मन खुराना ब्लॉग्स गाइज। आज का ब्लॉग हमारा बिल्कुल डिफरेंट रहने वाला है, आज बहुत सारी चीज़ें हम आपको गाइड करेंगे, जैसे मैं थोड़ा आपको बता भी देता हूँ, मीशा फैब्रिक आपको शांति मोहल्ला गांधीनगर, आज हमने वहाँ पे विजिट करा है जहाँ पे आपको पूरी फैब्रिक्स की पूरी इन्फो हम गाइड करने वाले हैं कि क्या क्या वर्किंग मिल जाती है हमारे पास और क्या क्या फैब्रिक्स हमारे पास मिल जाते हैं। और बेसिकली हम बहुत सारे बिजनेस में हैं, हमारे साथ बहुत सारे होलसेलर्स जुड़े हुए हैं और बहुत सारे जो हमारे इंटरनेशनल कस्टमर हैं वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो बेसिकली ओल्ड काम है, बहुत पुराना काम है, और जब भी यंग जनरेशन होती है तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है उनके साथ काम करने में। और बाकी हिमांशु सर हैं जिनका वेलकम करते हैं अपने चैनल पर, सर थोड़ी डिटेल देंगे, नमस्ते सर, थोड़ी डिटेल दीजिए अपनी फर्म के बारे में। नमस्कार सर, पहली बात मेरा नाम हिमांशु है सर, मैं मीशा फैब्रिक्स में काम करता हूँ, ये फैब्रिक का काम है बेसिकली हमारा, यहाँ पे शांति मोहल्ला गांधीनगर के अंदर हमारा होलसेल की फैब्रिक का सप्लाई का काम है, जो ब्रांड्स वगैरह हो गए या मैन्युफैक्चरर्स हो गए उनको हम प्रिंटेड फैब्रिक जो है वो होलसेल क्वांटिटीज में सप्लाई करते हैं ऑल ओवर इंडिया एंड पैन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी हम शिपिंग कर लेते हैं। ओके और बाकी बेसिकली हमारे पास कस्टमाइजेशन पार्ट भी एक अवेलेबल है, अगर आपको कस्टमाइज आपका खुद का डिज़ाइन भी कराना हो तो वो भी आपको हमारे पास मिल जाएगा। बेसिकली रेंज का थोड़ा आइडिया दे देते कि क्या क्या रेंजेस हमारे पास मिल जाती है। प्रिंट के रिलेटेड सर अलग अलग क्वालिटीज हमारे पास में होती हैं, कॉटन के अंदर हो गया, जॉर्जेट हो गए, सैटिन हो गए, मोडाल रेयन के अंदर हो गया, बाकी फ्रेंच क्रेप हो गई, फ्रेंच कॉटन्स हो गई, बेसिकली अलग अलग फैब्रिक बेस के अंदर हम अपने प्रिंट करा करके अपने कस्टमर को देते हैं, जैसे आप पीछे देख रहे हैं इस टाइप के कुछ बेसिस हो गए, तो प्रिंट रिलेटेड हर टाइप की आइटम रहती है, हर टाइप का प्रिंट रहता है, हर टाइप का फैब्रिक बेस के अंदर हम काम करते हैं। बिल्कुल, बाकी आगे पूरी वीडियो में आपको सारी हम इन्फो गाइड करने वाले हैं, बेसिकली सारा काम होलसेल में रहने वाला है, एक क्वांटिटी है जो आपको ज़रूर लेनी पड़ेगी, क्या क्वांटिटी रहती है सर? सर बेसिकली वन जो डीलिंग रहती है वो वन बंडल की मिनिमम रहती है, एक बंडल से कम हम नहीं देते, जो एक बंडल रहेगा वो 50-100 मीटर ऐसे रहेगा मोस्ट प्रोबेबली, और रिटेल में काम नहीं करते, रिटेल का सर हम काम नहीं करते। बिल्कुल, बाकी हमने आपको एड्रेस गाइड कर दिया, बाकी कुछ भी इन्फो गाइडेंस आपको चाहिए हो स्क्रीन पर जो नंबर है वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थोड़ी कलेक्शन दिखाना हम आपको स्टार्ट करते हैं, बेसिकली ज़्यादातर बेटर ये रहेगा कि आप विजिट करें, फील करके आप फैब्रिक टच करके लें, और वो बेस्ट पार्ट रहता है कि आपको जो शॉपिंग है वो और अच्छी हो जाती है आपकी। बिल्कुल, बिल्कुल तो स्टार्ट करें वीडियो। थैंक यू गाइज, जैसे हमने आपको बोला था कि स्टार्टिंग हम 75 रुपीज़ से करेंगे, तो वीडियो में हमने बोला है तो आपको दिखाएंगे भी ज़रूर कि 75 रुपीज़ से कौन से हमारे पास फैब्रिक स्टार्ट हो जाते हैं, तो सर थोड़ी डिटेल देंगे, मानसू सर कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं 75 जी? सर ये सारे जो आप देख रहे हैं सर ये कॉटन प्रिंट्स के अंदर वैरायटी है। हाँ जी, ये सारे के सारे आप मान के चलिए 75-80 रुपीज़ ऐसे स्टार्टिंग हो जाएंगी। ओके, ये सारे सर मिक्स एंड मैच के साथ में रहते हैं और ये कॉटन कैमरिक के अंदर माल है सारे। ठीक है, जो तो अपने कितनी वैरायटी चलती होगी, कुछ आइडिया है या फिर आपको भी आइडिया नहीं है? सर इसकी सब चीजें ही बन सकती हैं, बेसिकली कुर्तीज में हो गया, काफ्तान सेट्स के हिसाब से हो गया, यू नो सूट्स वगैरह आप बनाना चाहें विमेंस के, तो डोमेस्टिक मार्केट में समर में स्पेशली ये सबसे ज्यादा डिमांड के अंदर रहती है आइटम। यस, और हम आपको डिजाइन दिखा रहे हैं, बाकी आप हमसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है वहाँ पे कॉन्टेक्ट करके आप कैटलॉग भी सेंड कर देते हैं उनको। हाँ जी सर, व्यूअर्स को बेसिकली आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करेंगे या आप आएंगे शॉप पे। हाँ जी, तो शॉप पे माल सारे रेडी हैं आपके सामने। ओके, अदरवाइज आप व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट करेंगे तो हम आपको कैटलॉग प्रोवाइड कर देंगे, उसके अंदर से आप सिलेक्शन करके घर बैठे माल मंगवा सकते हैं। ठीक है, बाकी गाइस वैरायटी बहुत सारी है, जैसे हमने यहाँ पे सारी आपको डिस्प्ले कर रखी है, एक एक पीस हमारा हाईलाइट करना बहुत मुश्किल है, इसलिए जो है अभी हाथ में हम आपको वो प्रेजेंट कर रहे हैं, ये देख सकते हैं। मैं बस आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ सर कि डिजाइन आप देखेंगे, कलर मैचिंग साथ देखेंगे, आपको सबके अंदर अवेलेबल होने वाली है।
ये देखिए जैसे इस टाइप के कुछ बांधनी प्रिंट्स के अंदर हो गए, बांधनी प्रिंट, तो ये इस टाइम पे अभी काफी ज्यादा है ना, ये थोड़े फ्लोरल के अंदर हो गए। तो आपको जैसे सर मैं देख पा रहा हूँ इधर कलर्स भी अवेलेबल है आपके पास डिजाइनिंग के अंदर? हाँ जी तो सर, वो भी रेगुलर रहता है? जी जी, हम एक एक डिजाइन के अंदर सर 5-6 कलर मैचिंग कम से कम अपने कस्टमर को देते हैं। हाँ जी, बेसिकली इसके अंदर क्या है, कस्टमर की अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, किसी को लाइटर शेड्स पसंद है, किसी को डार्कर शेड्स पसंद है, हाँ जी, किसी को मल्टी कलर के अंदर प्रिंट्स पसंद है। यस, तो हमारी कोशिश रहती है कस्टमर के टेस्ट के हिसाब से माल बनाया जाए और सारे कलर मैचिंग हम यूजुअली बनाते हैं कस्टमर। सर आप मेरे को बताया, हमने इंट्रो में भी गाइड करा कि हम होलसेल में देते हैं, तो लगभग कितना रहता है भैया? जो एक बंडल आप देख रहे हैं ये अराउंड 40-50 मीटर के आसपास का कट है। जैसे ये वाला जी, फॉर एग्जांपल ये देखिए आप, हाँ जी, ये 48 यार्ड्स के आसपास का कट है। ठीक है, तो हमारी सारी यार्डेज के अंदर रहता है, तो 40-50 मीटर के हिसाब से भी आप एक बार स्टार्टिंग करना चाहते तो एक थान से भी हम प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, और लेना आपको होलसेल में ही रहेगा और कोई स्टिचिंग अवेलेबल नहीं रहेगी, जो भी रहेगा हमारे पास फैब्रिक ही रहेगा। हाँ जी, हम होलसेल में फैब्रिक सप्लाई करते हैं। हाँ, मैन्युफैक्चरर्स हो गए, रीसेलर्स हो गए, उनको फैब्रिक सप्लाई करते हैं हम। बिल्कुल, ये प्रॉपर होलसेल की रहेगी, डोमेस्टिक इंटरनेशनल जो हमारे कस्टमर्स हैं वो ऑर्डर कर सकते हैं। मिनिमम क्वांटिटी सर ने आपको गाइड कर दिया, बाकी पैटर्न बहुत सारे हैं, हम बहुत सारे आपको दिखा सकते हैं, पर बस वो बात सर बेसिकली ये थोड़ा कन्फाइंड स्पेस भी है यहाँ पे, तो सारे दिखा पाना भी पॉसिबल नहीं होगा। अदरवाइज आपको ओवरव्यू के लिए मैंने कुछ पैटर्न्स निकाल के दिखाए हैं। बिल्कुल, इनके अंदर सर मिनिमम क्वांटिटी एक बंडल की है, बट क्वांटिटीज आपको चाहिए होती है तो सारी अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल आप रैक में देखिए, हाँ जी, तो एक एक डिजाइन के अंदर हम क्वांटिटीज जो है आपको एट अ टाइम रेडी मिलेंगी यहाँ पे। यस, तो वैरायटी बहुत सारी है, ये जो सेक्शन पूरा हम एक आपको ग्लिम्स डाल देंगे, ये सारा जो सर ने बताया 75 रुपीज से स्टार्टिंग, 75-80 इनसे स्टार्टिंग हो जाएगी। यस, ये सारा आपका प्रिंट्स रहेगा। बिल्कुल, ठीक है सर, नेक्स्ट सेगमेंट आ गया हमारा, नेक्स्ट सेक्शन उसके बारे सर अभी हम आ गए फ्रेंच कॉटन के अंदर। okay. ये बेसिकली बड़े पन्ने के अंदर आती है। हाँ जी, और डिजिटल प्रिंट्स के अंदर इसके ऊपर हम करके देते हैं कस्टमर। ठीक है, ये बेसिकली सर अपनी मेंस कलेक्शन है सारी। जो अपनी मेंस शर्टिंग के अंदर हो गई, मेंस कुर्ताज के अंदर हो गई। सर फैब्रिक क्या रहता है इसके अंदर? ये सर देखिए फ्रेंच कॉटन के अंदर वैरायटी है। ओके, और जैसे ये डिफरेंट डिफरेंट अगर आपको प्रिंट्स जैसे आजकल बहुत चल रहे हैं जी, तो आप देख सकते हैं जी, ये थोड़े प्रिंट्स रहेंगे आपको जो हम आपको गाइड कर रहे हैं। बेसिकली ये ट्रॉपिकल प्रिंट्स के अंदर हो गए, इसके अंदर इस टाइप के थोड़े से मार्बल इफेक्ट के अंदर प्रिंट्स हो गए। यस, ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है सर। इसमें भी क्वांटिटी वही रहेगी? इनके अंदर भी सर जो थान आप देख रहे हैं सर, ये 50-60 मीटर ऐसे थान होंगे सारे। ओके, और इनके आपको क्वांटिटीज आपको चाहिए होंगी तो अवेलेबल हो जाएंगी। यस, ये सारे डिजिटल प्रिंट्स के अंदर है बेसिकली। Yes, कुछ इस टाइप के आइटम में रह गया। आपको कुछ कैरी पैटर्न के अंदर चाहिए तो बेसिकली कैरी पैटर्न के अंदर भी मिल जाएगा। थोड़ा डिफरेंट आपको चाहिए तो प्रिंट्स वो भी आपको मिल जाएंगे। एग्जैक्टली, और प्रिंट्स बहुत सारे हैं। वैसे ये सारा सेक्शन सर वही रहने वाला है जैसे सारे सर जितने भी आप रैक के अंदर देख रहे हैं। हाँ जी, ये सारे जितने भी आप रैक के अंदर प्रिंट्स देख रहे हैं, यहाँ आप नीचे देख रहे हैं, ये सारे के सारे फ्रेंच कॉटन के अंदर डिजिटल प्रिंट्स ही रहने वाले हैं। यस, और बाकी इसके अंदर ये पूरा सेगमेंट हमारा रहने वाला है। अगर आप इधर की तरफ भी फोकस करेंगे तो ये पूरा यहाँ से स्टार्ट होके सर यहाँ तक। हाँ जी सर, ये सारे के सारे हैं, ये कॉटन प्रिंट्स के अंदर हैं सर। ये देख सकते हैं जैसे कलर्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। हाँ जी, ये देख सकते हैं, ये थोड़ा फ्लोरल के अंदर है। जी, फ्लोरल के अंदर ये 100% कॉटन के अंदर रहेगा। इसका फिनिश देखिए, काफी सॉफ्ट फिनिश के अंदर है। यस सर, बिल्कुल। तो नंबर्स ऑफ वैरायटी इसमें भी मिल जाएगी, बस थोड़ा आइडिया है जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी आप विजिट करें तो मोस्ट वेलकम है आपका। बिल्कुल सर, सारी कलेक्शन इसके अंदर, जैसे फ्लोरल के अंदर भी काफी सारे पैटर्न्स आप रैक के अंदर देखिए, कुछ पेजली के अंदर हो गए, मल्टी कलर के अंदर हो गए, मोनोटोन्स के अंदर हो गए, ऊपर रैक के अंदर देखिए, सारे के सारे जो है कैमरे के अंदर ही सारे फ्लोरल पैटर्न के अंदर हैं बेसिकली। बिल्कुल, बाकी सर मैं बीच में आपसे एड्रेस गाइड करने को बोलूंगा कि एड्रेस क्या रहने वाला है, थोड़ा वो भी गाइड कर दे व्यूअर्स को। सर जो शॉप है हमारी वो मीशा फैब्रिक्स के नाम पे है। ठीक है, ये शांति मोहल्ला फैब्रिक मार्केट के अंदर है, जो बेसिकली एशिया की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है। तो शांति मोहल्ला की मेन रोड पे हमारी शॉप है, 15 नंबर गली के ठीक ऑपोजिट शॉप। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा पड़ता है? नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन भैया सीलमपुर मेट्रो स्टेशन एंड वेलकम मेट्रो स्टेशन क्लोजेस्ट है, 5 मिनट्स डिस्टेंस पे होंगे। वहां से ट्राइसिकल या ऑटो रिक्शा करके आप डायरेक्ट शॉप पे आ सकते हैं। बिल्कुल, स्क्रीन पे जो नंबर है उसको सेव कर ले और वो बहुत हेल्प करने वाला है आपकी शॉपिंग के लिए। हाँ जी, बेसिकली टीम का नंबर भी आप स्क्रीन पे दे देंगे तो उससे कॉन्टेक्ट करके आप आ सकते हैं। ठीक है गाइज, हमने फर्स्ट आपको दिखा दिया था जो हमारी स्टार्टिंग कलेक्शन थी, अब उसके बाद जो सेगमेंट आने वाला है सर अपना ये वाला रहने वाला है, इसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग दीजिए कैसे रहता है ये जो है सर। बेसिकली सारा डिजिटल प्रिंट्स का सेक्शन है हमारा, इसके अंदर हर टाइप के प्रिंट जो है हम बनाते हैं। ओके, इसके अंदर ट्रॉपिकल प्रिंट हो गए, ज्योमेट्रिक प्रिंट हो गए, नर्सरी प्रिंट हो गए, जो नाइटवेयर वाले प्रिंट हो गए, और मल्टी कलर्ड के प्रिंट्स हो गए, मोनोटोन्स के प्रिंट हो गए, हर टाइप के प्रिंट्स की वैरायटी हम बना करके कस्टमर को देते हैं। बिल्कुल,
इसके अंदर खास बात क्या है सर, हम अपने सारे जो प्रिंट्स आप देख रहे हैं हम अपने टेस्ट से कराते हैं, तो इसके अंदर सबके अंदर कलर मैचिंग्स भी मिल जाती हैं आपको। बाकी जो इंस्टाग्राम पे या सेलिब्रिटी वेयर के अंदर जो लेटेस्ट ट्रेंड अभी चल रहा है करंट मार्केट में, उसके हिसाब से हम इस कलेक्शन को अपडेट करते रहते हैं। बिल्कुल, और बहुत सारे नए आर्टिकल्स तो हैं ही जो आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, तो कुछ और एड ऑन हुए हैं जो इस तरफ आपको वो भी दिखा देते हैं। ये देखिए सारे, जैसे ये जेब्रा के अंदर आ जाएगा। हाँ जी सर, ये देखिए ये जापानी रेयन क्वालिटी के अंदर है, जो नए फैब्रिक अभी स्टार्ट हुआ है मार्केट में, और जैसे आप बता रहे थे ज्यादातर एक्सपोर्ट होते हैं ये। हाँ। सारे एक्सपोर्ट के हिसाब से चलने वाले प्रिंट्स हैं सर। बिल्कुल, बेसिकली इंटरनेशनल कस्टमर हो गए आपके स्पेन के, फ्रांस के, जर्मनी के, उन सबको इस टाइप के प्रिंट काफी ज्यादा पसंद है। यस, ये देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स हैं। सर इसमें क्या रेंजेस की आपकी स्टार्टिंग होती है कुछ आइडिया? सर डिजिटल प्रिंट जो है वो वेरी करती है बेस्ड ऑन फैब्रिक बेस क्या रहने वाला है। फैब्रिक बेस जो है इसके अंदर 110-120 रुपए से स्टार्टिंग होकर 135-150-200 उसकी कोई लिमिट नहीं है। बिल्कुल, बट इसके अंदर वही कुछ पॉलिएस्टर बेस्ड फैब्रिक्स भी रहते हैं, कॉटन बेस्ड फैब्रिक्स भी रहेंगे, आपके विस्कोस बेस्ड फैब्रिक्स होते हैं, अलग अलग फैब्रिक के अंदर डिजिटल प्रिंट्स रहते हैं। बिल्कुल, और बाकी जैसे इधर बहुत सारी वैरायटी है, एक आधी हम आपको दिखा देते हैं। सर कौन सा कहेंगे? वैसे सारे खूबसूरत हैं, आप प्रिंट्स देख सकते हैं। जैसे ये फिगर के अंदर बेसिकली आ गया, जैसे ये देखिए सर। यस, ये फ्रीडा खालो प्रिंट के अंदर है बेसिकली। हाँ जी, आप ये देखिए काफी ऑयल पेंटिंग टाइप का ब्रश इफेक्ट के अंदर है। बिल्कुल, और ये सारे जो है सारे एक्सपोर्ट के हिसाब से चलने वाले प्रिंट्स हैं। ठीक है, और इधर भी बहुत सारे हैं मेरे ख्याल से, ये भी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी मेरे को। मतलब पैटर्न बहुत सारे हैं, जैसे फ्लोरल के अंदर इसमें भी पैटर्न चलते हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। और थोड़ा आपको डिफरेंट के अंदर, यूनिक के अंदर चाहिए तो आपको कुछ ऐसे आर्टिकल भी दिख जाएंगे। ये मेरी तरफ से मैं दिखा देता हूँ, कुछ ऐसे पैटर्न्स भी आपको मिल जाएंगे। थोड़ा आपको कार्टूनिस्टिक भी चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। कुछ नर्सरी प्रिंट्स की वैरायटी मैं आपको दिखवाता हूँ। बेसिकली ये ड्रेस मटेरियल और शर्ट वगैरह में बेसिकली यूज होते हैं। हाँ जी सर, शर्ट आप बना सकते हैं, इसकी नाइटवेयर बना सकते हैं, आप इनको कॉर्डसेट्स के अंदर यूज में ले सकते हैं। बेसिकली लेडीज या जेंट्स की गारमेंट के अगर आपका काम है तो उसके अंदर आप किसी भी टाइप का क्वालिटी में ही काम कर सकते हैं। बिल्कुल, और ये देख सकते हैं ये प्रिंट्स हैं। बाकी हम एक ग्लिम्स दे देंगे आपको जिसमें थोड़ा आइडिया और ज्यादा आपका इनहेंस हो जाए कि क्या क्या वैरायटी हमारे पास और मिल जाती है। ये कुछ नाइटवेयर के प्रिंट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ सर, बेसिकली जो किड्स वेयर या लेडीज नाइटवेयर के अंदर आप यूज कर सकते हैं। हाँ, ये प्रिंट्स बहुत ज्यादा चलते हैं। जी बिल्कुल, तो ये हमने रेंजेस आपको आइडिया दिया। बेसिकली हमने जो स्टार्टिंग रेंज बोली है, जरूरी नहीं कि वही सारी कलेक्शन उसी स्टार्टिंग रेंज की हो, मल्टीपल रेंज है इसके अंदर। सर बेसिकली क्या रहता है हमारा ना, एक्चुअली होलसेलर का काम है जैसे मैंने बताया। हाँ, तो काफी मैन्युफैक्चरर या ब्रांड्स वगैरह हो गए थोड़े जुड़े रहते हैं। यस, तो उनको थोड़ा इश्यू रहता है कि यार हम मार्जिन उनके डिस्क्लोज नहीं करना चाहते या उनको कोई प्रॉब्लम हुई कस्टमर से शिकायत है, इसलिए हम नहीं करते। बाकी एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया कि 110-120 से स्टार्टिंग हो जाएगी डिजिटल में। ओके, और बाकी क्या फैब्रिक बेस आप पसंद कर रहे हैं, बड़ा पना छोटा पना क्या है, उस हिसाब से आपको सब चीज़ों का आइडिया मिल जाएगा। बिल्कुल, अब नेक्स्ट जो सेगमेंट ये आ गया हमारा ड्रेस मटेरियल में ज़्यादातर यूज होता है सर, बहुत ज़्यादा डिमांड में चलता है, तो मतलब बहुत सारी लेडीज वेल नोन होगी जो बिजनेस कर रही होंगी होलसेल में, उनको पता है ये डिज़ाइन कहाँ यूज होते हैं। बिल्कुल, इसमें क्या रेंज रहती है, क्या कलेक्शन रहती है, थोड़ा गाइड करें। ये जो आप देख रहे हैं सर ये सारी चिकन वर्क के अंदर आइटम है। हाँ जी, इसलिए इस टाइप का कुछ देखिए। हाँ जी, ये देख सकते हैं ये भी डिजिटल प्रिंट के अंदर आती है। Okay. और इसके ऊपर जैसे शिफ्ली वर्क हो गया, थ्रेड वर्क हो गया, उस टाइप का वर्क हम करा करके अपने कस्टमर को देते हैं। यस, आप देख सकते हैं बहुत सारे आपको फ्लोरल के अंदर, थोड़ा कट वर्क के अंदर, बेसिकली कहेंगे तो उसके अंदर ये मिरर वर्क के अंदर बहुत ज्यादा चलती है। ये थोड़ा मिरर वर्क के अंदर आइटम आ गए सर आपकी। हाँ जी, ये कॉटन बेस के अंदर हो गया। ठीक है, और आपको लिखा रहता है कि कितने मीटर का थान है, आई थिंक ये मीटर लिखे होंगे। ये सारी यार्डेज लिखी है सर, बेसिकली यार्ड के हिसाब से रहता है हमारे पास में फैब्रिक, तो उसकी सारी यार्डेजेस आपको मेंशन होंगी। हाँ जी, तो आपको इसमें शेड्स भी चाहिए तो वो भी आपको हमारे पास इजीली मिल जाते हैं। एग्जैक्टली, ये सर रैक के अंदर आप देखिए, ये सारे के सारे प्रिंट जो आप देख रहे हैं, कुछ फ्लोरल प्रिंट्स की वैरायटी हो गई। ऊपर रैक में आप देखिए सर, ये थ्रेड वर्क के अंदर हो गई, लखनवी का वर्क हो गया। बाकी सर यहाँ भी कुछ पैटर्न्स यहाँ पे लगे हुए हैं, ऑब्वियसली सारे निकलवा पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा सर, इसलिए मैं रैक के अंदर माल लगा करके आपको दिखा रहा हूँ। यस, और यहाँ से स्टार्टिंग होके, आई थिंक यहाँ से ड्रेस मटेरियल के स्टार्टिंग होके ये पूरा रैक वहाँ तक जा रहा है जिसके अंदर, मतलब ये तो डिस्प्ले ही है, बाकी आप विजिट करेंगे तो और भी वैरायटी आपको जरूर वेलकम में मिलेगी हमारे पास। और ये आपको मिरर वर्क में बेसिकली चल रहे हैं, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है, जो समर सीजन चल रहा है उसके हिसाब से हमने बहुत सारे ऐड ऑन करे। बिल्कुल सर। यस, बाकी जैसे फॉल सीजन हो गया, फॉल सीजन के अंदर इस टाइप के आइटम कुछ करते हैं। ये बेसिकली मैंगो सिल्क की जो फैब्रिक है, मैं आपको इसकी वैरायटी दिखाऊंगा। हाँ जी, उसके ऊपर भी मिरर वर्क के आइटम है, ये आप विंटर वेयर के अंदर ले सकते हैं, और ये सारे कॉटन के अंदर नीचे जो लगे ये समर वेयर के हिसाब से। बिल्कुल सर। ठीक है गाइज, ये हमारा फोर्थ सेगमेंट आ गया, और इधर हम कॉटन की वैरायटी आपको मिला दिखाएंगे, और डिफरेंट डिफरेंट जो भी इसमें कलेक्शन चलती है, प्रिंट्स चलते हैं, सर आपको गाइड करेंगे ब्रीफली कि क्या चलता है इसके अंदर। सर बेसिकली ये सारे आप देखिए, ये डिजिटल प्रिंट्स के, मैं आपको स्वीट लिंक कॉटन दिखाया। ओके, तो एक नया फैब्रिक बेस हमारे पास में है, ये बेसिकली सर जापानी कॉटन के अंदर है। ठीक है, आप इसका देखिए काफ़ी स्मूथ फिनिश के अंदर है।
इसका हैंड फील काफी सॉफ्ट है, यू नो, ठीक है। और इसके अंदर पैटर्न्स बहुत सारे हैं, जैसे किसी कस्टमर ने सर ये पसंद करा और बाद में रीऑर्डर करता है तो आप उसको अवेलेबल करा सकते हैं? हाँ जी, बेसिकली ये कुछ टाइम लिमिट्स होती है, ऐसा कुछ रहता है? बेसिकली सर ये आप जितने भी देख रहे हैं रैक के अंदर, ये सारे हमारे डिजिटल प्रिंट्स है। ओके, तो इसके अंदर हमारी खुद की प्रोडक्शन रहती है। तो ये सवाल आपने काफी अच्छा पूछा कि यू नो रिपीट क्वांटिटीज, आजकल कस्टमर को चाहिए रिपीट क्वांटिटीज, क्योंकि कस्टमर का ऐसा रहता है ना कि किसी कस्टमर को ये पैटर्न पसंद आ गया तो उसके मन में वही रह जाता है। प्लस उनका क्लिक हो गया, कोई ब्रांड नाम से लेकर के गया, उनका प्रोडक्ट क्लिक हो गया, उनको ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो उनको रिपीट क्वांटिटीज चाहिए होती है, तो हम कर देते हैं। उसके अंदर क्या रहता है, मिनिमम एक थान होता है 50 to 100 meters का, वो हम प्रिंट करके आपको विद इन 1 week 10 days तक हम प्रोवाइड कर देते हैं। और जैसे आप बता रहे थे कुछ नए आर्टिकल्स भी आपके पास आए हैं जो पूरे एक ब्रांड को, जी जी, मैं आपको एक आइडिया के लिए आपको दिखवाता हूँ। हाँ जी, फॉर एग्जांपल सर ये देखिए। हाँ जी, ये जैसे ये वाला आर्टिकल की बात कर रहे हैं, जैसे ये देखिए, इस टाइप की शर्ट्स अगर आप बनाना चाहते हैं, यू नो विमेंस वेयर के अंदर काम करना चाहते हैं, तो ये देखिए सारे ये सेम पैटर्न के अंदर ये ब्रांडेड आर्टिकल रहेंगे। आपको हम एग्जैक्टली तो बता नहीं पाएंगे कौन से ब्रांड के हैं, वो आपसे तो हम आपको गाइड कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देखिए, इस टाइप का हो गया, काफी मल्टी कलर प्रिंट्स हैं, ये इस टाइम पे काफी ज्यादा इन चल रहे हैं, बीच वेयर के हिसाब से हो गया, यू नो, या कॉर्डसेट, उस टाइप के आइटम आप बनाना चाहें तो उसके अंदर आप इनको यूज में ले सकते हैं। बिल्कुल। और ये डिजाइन और भी है इसके अंदर, डिजाइन सर ये सारे लगे हुए, ये देख सकते हैं, जैसे ये देखिए, ये कुछ ज्योमेट्रिक पैटर्न्स के अंदर वैरायटी है। ओके जी, ये देख सकते हैं। तो ये आपने बड़े बड़े ब्रांड्स पे देखी होगी ये क्वालिटी जी। सर ये भी वो इतनी 50-60 मीटर अराउंड रहता है? जी सर, ये सारा बंडल जो आप देख रहे हैं 50-60-70 मतलब इस हिसाब से रहता है। मिनिमम डीलिंग जो रहता है सर वो एक बंडल का रहता है। यस जी, बिल्कुल। और ये कुछ नंबर्स ऑफ वैरायटी है, ये सारे के सारे आप देख रहे पैटर्न्स, ये सारे इसके अंदर अवेलेबल होने वाले हैं। और जैसे सर कोई आर्टिकल है किसी कस्टमर ने देखा है और वो आपसे कस्टमाइज कराना चाहता है तो वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है, कस्टमाइज हो जाता है यहाँ पे? हाँ जी सर, अपने कस्टमर के लिए कस्टम प्रिंट बनाते हैं, रहेगा वो डीलिंग होलसेल के अंदर ही, मतलब मिनिमम एक थान छपता है, वो अराउंड 100-200 meters के आसपास आपको रिक्वायरमेंट है तो हम आपके लिए कस्टम प्रिंट बना देते हैं। ऐसा नहीं है यूजुअली कि क्या रहता है, आपको कस्टम प्रिंट बनाने तो 1000-2000 meters की क्वांटिटी चाहिए होती है। ठीक है गाइज, ये हमारा नेक्स्ट सेगमेंट आ गया है और इसके अंदर बेसिकली जो रहते हैं फैब्रिक्स साटन एंड डबल जॉर्जेट बेसिकली सारे एक्सपोर्ट के हिसाब से प्रिंट्स है सर। ये कौन से फैब्रिक में बता रहे हैं सर आप? ये सर डबल जॉर्जेट के अंदर है, डबल जॉर्जेट 12th मंथ वेरिएबल फैब्रिक है। एग्जैक्टली, ये 12 महीने वाले फैब्रिक्स हैं सारे। yes. और प्रिंटिंग इसकी काफी अच्छी रहती है। yes. आप इसकी प्रिंट क्वालिटी देखिए तो ये काफी स्मूथ रहता है। यस, डबल जॉर्जेट मीनिंग आपको ज्यादा वो विजिबल नहीं रहेगा जी, इसके अंदर होता है कभी बेसिकली रिक्वायरमेंट नहीं बैठती, नहीं रहती है। जैसे इस टाइप के कुछ पेस्टल कलर्स के अंदर आए हमारे पास, ये देख सकते हैं, ये कुछ आर्टिकल्स हैं, सैंपल्स हैं, इनमें भी आपकी क्वांटिटी वही चलती है होलसेल के अंदर। आप कस्टमाइज कराना चाहते हैं वो भी पॉसिबल है, बाकी आपको विजिट करना है तो हमने एड्रेस आपको गाइड कर रखा है, स्क्रीन पे नंबर है, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको कुछ साटन की कलेक्शन भी हमारे पास मिल जाएगी, जैसे ये सर ने खोला है, कुछ आर्टिकल्स ऐसे भी मिल जाएंगे। ये साटन प्रिंट्स के अंदर है सर, ये पिछवाई आर्ट अभी चल रही है ज़्यादा। yes. तो उसके हिसाब से हमने कुछ प्रिंट्स डाले और फैब्रिक देख सकते हैं आप, शाइन पूरा रहेगा इसके अंदर ना, साटन के अंदर। इसकी आप हैंड फील देखिए सर, इसकी हैंड फील काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। बेसिकली प्रीमियम साटन है, ये हल्की क्वालिटी नहीं है, काफ़ी जो प्रीमियम ब्रांड्स वगैरह हो गए या मैन्युफैक्चरर हो गए वो इसको यूज़ में लेते हैं। बिल्कुल। और बेसिकली फैब्रिक है, आपको सारा फैब्रिक हमसे मिल जाएगा और आपको होलसेल में रहता है, जितनी भी आपको अगर ऑर्डर करना है या हमसे परचेजिंग करनी है तो अराउंड हमने आइडिया दिया ही था आपको। exactly. 50-60 meters अराउंड आपको लेना पड़ता है। एक लम्ब जो आप देख रहे हैं 50-60 meters के अराउंड रहेगा, बाकी आपको क्वांटिटीज चाहिए तो ज्यादातर सबके हमारी सब्जेक्ट अवेलेबिलिटी क्वांटिटीज रेडी रहती है। बिल्कुल। ये सारे जो आप देख रहे हैं सर, ये सारे के सारे डबल जॉर्जेट के अंदर है। इसके अंदर आपको ट्रॉपिकल प्रिंट हो गए, ये कुछ एनिमल प्रिंट्स की वैरायटीज हो गई, ज्योमेट्रिक प्रिंट्स हो गए, ये सारे इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल। और जो भी कलेक्शन गाइस हमने आपको दिखाई है या आप हमसे वीडियो देखकर ऑर्डर करेंगे तो बेसिकली वही चीज़ आपको डिलीवर्ड होगी। exactly. क्योंकि बहुत सारे कस्टमर का ट्रस्ट इश्यू रहता है कि ऐसा होएगा या नहीं होगा। Bilkul. तो वो चीज़ें भी हम आपको बता दें कि बहुत पुरानी फर्म है, होलसेल का प्रॉपर हमारा बिजनेस है बहुत टाइम से। exactly. सर से मैंने बात करी तो सर ने हम मेरे को प्रॉपर गाइड करा। सर से मैं पूछना चाहूँगा, थोड़ा हमारे व्यूअर्स को भी बता दें सर, बेसिकली हमारी जो फर्म है मीशा फैब्रिक्स के नाम से, ये बेसिकली 30-year-old फर्म है। तो वी वर्क विद मैन्युफैक्चरर्स हो गए, रीसेलर्स हो गए या ब्रांड्स हो गए, स्मॉल स्केल एंड बिग स्केल बोथ, तो उनके साथ हम काम करते हैं, उनको प्रिंट्स की सप्लाई बेसिकली देते हैं। हमारे पास जितनी बार देखेंगे ज़्यादातर प्रिंट्स की आपको वैरायटी देखने को मिलेगी और किसी भी टाइप का प्रिंट हो, किसी भी टाइप का फैब्रिक बेस हो, उसके अंदर हम प्रिंट करा करके अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल।
जी बाकी मेरी सर एक प्रेफरेंस है, मेरी प्रेफरेंस हमेशा रहती है कि कस्टमर एक बार आकर के ले, बिकॉज वो आप आएंगे एक बार आप जगह देखेंगे, आप क्वालिटी देखेंगे, आप प्रिंट क्वालिटी देखेंगे, वैरायटी देखेंगे, तो आप बेटर सिलेक्शन कर पाएंगे अपने बिजनेस के लिए। बिल्कुल। और स्पेशली आप इतना बड़ा अगर आप अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं अपने स्टॉक के अंदर, सो आई थिंक यू नीड टू विजिट द वे यू परचेजिंग फ्रॉम एटलीस्ट वंस। उसके बाद बाकी आप ऑर्डर करना चाहें ऑनलाइन तो वो चीज़ भी हम फैसिलिटी जैसे भैया ने बताया हम कैटलॉग प्रोवाइड कर देते हैं। बिल्कुल। कभी कभी वीडियोज के अंदर ऐसा होता है कि कस्टमर को कुछ और जज हो जाता है कि क्या क्वालिटी है, तो उसके लिए सर ने बेस्ट ऑप्शन आपको दिया कि आप विजिट करें, वो बेस्ट ऑप्शन है आपके पास कि उससे और ज़्यादा अच्छी आपकी परचेजिंग हो जाएगी, आपके बिजनेस को एक अच्छा टर्न मिल सकता है। बिल्कुल सर। यस थैंक यू।